दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी सरगर्मियां तेज हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य में चुनौतियों से पहले अपनी शिक्षा नीति का ढिंढोरा चारों तरफ पीट रही है, तो इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को दिल्ली के दरियापुर में आप सरकार के खिलाफ रैली निकालते हुए धरना दिया है, जिसमें भाजपा के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। आज का प्रोटेस्ट दरियापुर गांव के और गांव वासियों की तरफ से है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के हम सब नेता यहां पर बुलाए गए हैं। मैं सांसद होने के नाते यहां पर आया हूं। मेरे सामने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल का बोर्ड लगाया गया है। यहां पर तीन बिल्डिंगें हैं और उनके अंदर इन्होंने कहा कि हम ऐसे स्पेशलाइज जो है स्कूल खोलेंगे एक्सीलेंस, और वहां पर कोई बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आ रहा। इस बिल्डिंग के अंदर एक स्कूल को मर्ज किया गया है। जब आप 29 प्रतिभा स्कूलों को आपने बंद कर दिया है और उसके बाद आपका शिक्षा मॉडल की बात करते हो, आप केवल 10वीं और 12वीं का रिजल्ट दिखाने की बात करते हो, आप बताइए कि 9th क्लास के अंदर कितने बच्चे फेल करते हो, और फेल करने के बाद अगर वो बच्चे नहीं पढ़ते तो उनको आप स्कूल से बाहर कर देते हो, उनको ओपन जाके पढ़ना पड़ता है,